round table full of your fans are waiting for you. मैं उतरा, हमने फोटो लिया और उसने, हमने आपकी वो फिल्म देखी है सर, वो फिल्म मेरी नहीं थी। जब मुझे समीर नारायण ने ऑफिस बुलाया तो उन्होंने मेरे प्ले का मोहनदास करमचंद गांधी वाला मेरा फोटो दिखाया और बोला कि ये हम करना चाहते। मेरे डैड जब तक थे मतलब मेरे भाई का ऐसा कहना है कि ही इज योर ब्लाइंड फैन। इंस्टाग्राम से मुझे पता चला नौरा के फील्ड से, ही इज लाइक अ किड देयर। मतलब टॉम के साथ इतना मजा आया शूट करने, तो ही मेड मी टेक हिज फोटोग्राफ ऑन माय फोन। तो मुझे मजा ये था कि आज देखेंगे कि क्या इन लोगों के दिमाग में क्या है, इन लोगों को क्या जानना है। जैसे एक क्वेश्चन था कि आपको कभी कोई क्रेजी फैन मिला है लाइक स्कैम के बाद कि आपका ये पार्ट बहुत अच्छा लगा बट आपने वो पार्ट देखा ही नहीं था, आपने जैसे बताया ना कि आपने पूरा स्कैम कंप्लीट नहीं किया। स्कैम के बाद भी बहुत मिले और इससे भी क्रेजी एक चीज ये हुई थी कि गुजराती फिल्म्स के टाइम पर बिफोर स्कैम तो बेआर और रॉन्ग साइड राजू मतलब कमाल धमाल चली थी। रॉन्ग साइड राजू को नेशनल अवार्ड मिल गया 2016 में। उसके बाद मैं अहमदाबाद गया था और मैं कोई अवार्ड फंक्शन में जा रहा हूँ तो दो बाइक वाले गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और उधर से इशारा कर रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है यार रुक जाती, तो ऐसे फॉलो मत कर, गाड़ी साइड पे निकली हमने, मैं उतरा, हमने फोटो लिया और उसने, हमने आपकी वो फिल्म देखी है सर, वो फिल्म मेरी नहीं थी। वो मुझे कोई और समझा, उसने नाम भी दिया दूसरे एक्टर का और मैंने उसे बोला कि टैग जरूर करना यार। उसने मेरा फोटो डाल के उसे टैग भी किया होगा। I love this. तो ये बहुत ही कमाल होता है। दूसरी बार ऐसा हुआ था अहमदाबाद में, एक लड़का आया दौड़ता हुआ, अरे यार मैंने डैडी को बोला था फोन दिलाओ यार, मेरा फोन टूट गया, अब मैं फोटो कैसे लूंगा आपसे। तो ही मेड मी टेक हिज फोटोग्राफ ऑन माई फोन and he said के आप मेरे को अभी का अभी ये फोन फोटो सेंड करो। मैंने बोला पर तुम्हारा फोन में मेल करो मुझे। He gave me his email ID. Oh my God. सामने खड़े रह के उसने मुझे मेल करवाया वो फोटो से। तो मतलब, और ये मतलब हक ऐसे जता देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ तेरा हक था, बात कर लो, तो गलती हो मेरी होगी। ओके, एक हमारा एक हैपनिंग क्वेश्चन, फीवर एफएम हैपनिंग है और हम अपने गेस्ट का हैपनिंग क्वेश्चन चेक करते हैं, तो आप तैयार हैं? इनको पता होगा शायद आपकी मदद करनी है, वो टेस्ट आपका है वैसे तो। हाँ। ओके। बता देना यार, कोई हैपनिंग वैपनिंग पता है? अरे आपको सब पता है। व्हिच ग्लोबल पॉप स्टार परफॉर्म्ड अभी अनंत अमानी के संगीत पर? जस्टिन बीबर। नॉट बैड। ये जो हो रहा है दिख रहा है हमें, पता चल रहा है हमें, ये जो शाह है इसके पीछे। अच्छा, तौबा तौबा ट्रेंडिंग सॉन्ग विक्की कौशल का लेटेस्ट, जिसके स्टेप्स आपको सीखने हैं, उसमें एक एक्टर को रिफर किया गया है कि इसके जैसे, वो कौन सी एक्टर है? नौरा। नॉट बैड। हाँ, किसी करी चीटिंग तो नहीं करी? नहीं, चीटिंग नहीं की मैंने, ये नॉट बैड हो गया। मतलब ऐसे इंस्टाग्राम से मुझे पता चला नौरा के फील्ड से। ओके, जेंजी टर्म समझ में आ रहे हैं आपको? दो और दो प्यार के प्रमोशन के टाइम पे बहुत कुछ सिखाया गया था। ओके, नो कैप। ओके, एक स्लैंग है, जेंजी स्लैंग है, व्हाट डज इट मीन? नो कैप मतलब विदाउट एनी फिल्टर्स, ऐसा। नो कैप नहीं, नो कैप नो कैप ब्रो, what you're saying. So it's basically like I'm not lying, it's for like to prove for a point, yeah, like for real, this is for it real, right? Yeah. So tame Surat thi Jalgaon aiva Satara Pune, all typical rural Maharashtrian state cities, so tumne khavano ne badu ke itna jai manya, matlab without any surti food, I know how surti food is so elusive, so tame ke itna anya sawal kahe? Inka sawal ye hai ki aap Gujarat se Jalgaon धुले पढ़ने गए, वहाँ का खाने का स्टाइल बहुत अलग है, साउथ गुजरात में अलग है। ओके, हाउ डिड यू सर्वाइव इज व्हाट ही इज आस्किंग। अब साउथ गुजरात का खाने का चक्कर ऐसा है कि एक तो सूरत तो मतलब खाने के लिए हेवन माना जाता है। एक कहावत है कि सूरत का खाना और काशी का मरना। अच्छा, इट इज इक्विवेलेंट। और सूरत साउथ गुजरात में ना हरी मिर्च यूज होती है और जलगांव धुले साइड ना लाल मिर्च पाउडर यूज होती है।
बचपन से अलग ही खाना खाया है, वहां जाके पहले 6 महीने में तो एसिडिटी और मतलब माउथ अल्सर से मेरी हालत खराब हो गई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो ज्यादातर तो मैं दूध, केला और पार्ले जी पे सर्वाइव करता था बहुत टाइम पर। पहले सोचा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, फिर समझ में आया कि बाकी सब छोड़ो, एक टाइम भरपेट खाना खा के सर्वाइवल का मामला है 3 साल का, वो कर लेते हैं। तब हम ये भी बोलते थे कि वहाँ का खाना किसी ने खा लेना, दुनिया में कहीं भी खा सकते। हाँ मतलब हॉस्टल का खाना सब ये बोलते हैं, पर अब जब शूट के लिए पूरी दुनिया में ट्रायल करते हैं ना, लगता है कि सब अच्छा ही था। वो ट्रेनिंग बहुत काम की दिया। आपने अभी इतने जॉनर्स एक्सप्लोर किए, स्कैम 1990, मडगांव एक्सप्रेस एंड योर न्यू मूवी दोपे दो प्यार, तो आपका फेवरेट जॉनर क्या है इन सब में से? पर ये तो जहाँ तक जॉनर्स की बात है ना, ऑलमोस्ट ऑल दिस जॉनर्स दैट आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड ऑन स्टेज, सो इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर द स्क्रीन एंड फॉर द वाइडर ऑडियंस फॉर श्योर, बिकॉज गुजराती फिल्मों में भी मैंने नेवर एक्सप्लोर्ड कॉमेडी। This is for the first time in Madgaon that I have explored this genre of, and comedy is always, matlab it's a very very serious business and you have to be double sure when you actually create any piece of humor. As far as genres are concerned, so aisa kuch nahi hai, mujhe to alag alag genre explore karne mein bahut maza aata hai, but drama is something that I love the most, because drama mein kya hai ki wo complex emotions ko nikalna, usme aur maza aata hai. It's lot of churning inside. देखिए अभी तो आप लंदन रिटर्न हैं, गांधी में आप हंस मेहता के साथ एक बार फिर, आल्सो वर्किंग विद स्लिदरिन, हाउ वाज दैट? ही इज गुड, ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज लाइक अ, ही इज लाइक अ किड, मतलब टॉम के साथ इतना मजा आया शूट करने में, एंड आई हैव सम ब्रिलियंट सीन्स हैव कम आउट, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू। सो कितना अभी आप रिवील कर सकते हो, कैसे, एक तो हाउ डिड यू लैंड दिस, डिड यू ऑडिशन फॉर इट, हाउ, लाइक टेल अस अ लिटिल, बिकॉज़ वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट गांधी। समीर नायर एक्चुअली थॉट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। ओके, मैं एक प्ले करता हूँ जो कि मोनोलॉग है, मोहनदास करमचंद गांधी, और वो मैं प्ले कर रहा हूँ 2016 से 15-16 से 3 भाषा में, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती, 1.5 घंटे का मोनोलॉग, 1.5 घंटे। जब मुझे समीर नायर ने ऑफिस बुलाया तो उन्होंने मेरे प्ले का मोहनदास करमचंद गांधी वाला मेरा फोटो दिखाया और बोला कि ये हम करना चाहते हैं। दैट्स हाउ द फर्स्ट मीटिंग हैपेंड and from that onwards it started. Sir, जो आपने स्कैम 1992 और क्राइम आजकल 2 जो आपने किया है, उसमें जो आपके दो करेक्टर हैं अलग अलग, तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था उस पर? बहुत मजेदार रिएक्शन था मेरी फैमिली का। और अच्छा, फैमिली वाले आपकी क्रिटिक हैं या फैंस हैं? वो आप वैसे बोलते हैं थोड़ा और ये करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, या दे जस्ट लव व्हाट यू डू? नहीं, दोनों है मेरी फैमिली में, दोनों है। मेरे डैड जब थे, जब तक थे, मतलब वो, मेरे भाई का ऐसा कहना है कि ही इज योर ब्लाइंड फैन, ही लाइक्स एवरीथिंग दैट यू, ऐसा मेरे भाई का मानना था। बाकी माय ब्रदर, माय मदर, इवन माय वाइफ हु इज एन एक्टर, सो वो बहुत ही सटीक क्रिटिक हैं मेरे काम। अच्छा, मिलता है आपको? हाँ, तुरंत कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा ये, इसको ऐसा। सो मेरी माँ तो मेरे सारे प्ले मतलब रिपीट शोज देखने आती है। लास्ट शो में तूने वो किया था ना, वो अच्छा था, इसमें ये आज तू ये भूल गया, ये वैसा वाला। क्योंकि अब प्ले में तो डायलॉग सेम है, सेम मैं कर रहा हूँ, तो वो जितनी बार देखने आती है उतनी बार नहीं नहीं वो इस बार तेरा वॉक उधर ही गलत हो गया, वो स्टेप ही गलत ले लिया तूने, इसलिए तेरी ब्रेथ चली गई, वो उस लेवल पे चली जाती है। वाओ, नॉट बैड। नाउ माय डॉटर इज आल्सो माय क्रिटिक। अच्छा, आई होप यू एंजॉयड दिस फैंटास्टिक राउंड टेबल। आई लव्ड इट, क्योंकि ये ना एक बहुत बहुत बार हम मतलब बोलते थे लोग कि एक्टर्स फैंस को कभी अपने पसंदीदा एक्टर से मिलना नहीं चाहिए, उनका ना भ्रम टूट जाता है। मतलब मैंने बहुत सुना है ऐसा, मुझे भी लोग बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई बहुत पसंद है ना, उससे मिलना। आपके साथ हुआ कभी ऐसे? नाम नहीं पूछने पर हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर कोई बहुत प्यार से, कोई बहुत यू नो अफेक्शन से ऐसा मिलता है कि यार आपका काम पसंद है इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनका भ्रम हो चाहे वो प्यार हो वो इंटैक्ट रहना चाहिए, उनको शायद जितना नहीं जानते हैं उससे और कुछ मिलना चाहिए। तो मुझे मजा ये था कि आज देखेंगे कि क्या इन लोगों के दिमाग में क्या है, इन लोगों को क्या जानना है, बिकॉज मैंने कभी ऐसा अलग दो पर्सनैलिटी रखी नहीं थी कि सोशल मीडिया पे अलग, पर्सनल अलग, तो मुझे वो फिल्टर नहीं पता था, इसलिए वो नो कैप ब्रो था मेरा। आई लव इट, यहाँ भी रिदम बिल्कुल सही बैठा था, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैंटास्टिक। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Fever FM happening here.